एवरीवन, आई एम क्रांति। आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार। आज हमारे साथ बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी है और इनका एमटीवी पे नया शो आ रहा है, डेट टू रिमेम्बर। आइए जानते हैं इनसे इस शो के बारे में। या हेलो एवरीवन, हाउ आर यू व्यूअर्स। सर कुछ बताइए हमको, डेट टू रिमेम्बर जो एक आप एक बेहद ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ आए, कुछ हम जानना चाहेंगे। बेहद ही अलग ही कह रही थी ना पहली बार में, थोड़ा सा आप अटके थे तो मुझे लगा बेहद ही। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, एक लड़का है बेचारा जो कंफ्यूज है दो लड़कियों के बीच में। सो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने आया है और आकर के कह रहा है कि प्लीज मुझे बताओ कि मुझे अपनी एक्स के साथ रहना चाहिए या प्रेजेंट के साथ रहना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऑडिशंस किए थे पूरी दुनिया में, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये परेशानी हर लड़के में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो इसीलिए हम इन लोगों को लेकर के आए और हम पूरे इंडिया को कह रहे हैं कि एज ए मेंटर मैं भी कोशिश करूंगा और आप भी मिलकर कोशिश करो कि कौन किसके लिए सही लड़की है और किसके साथ वो अपनी फ्यूचर में आगे जा सकता है। सो इन कंफ्यूजन्स को मद्देनजर रखते हुए और इसी के बेस पे शो बनाया गया। इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ सोचते हुए कुछ दिमाग में आया कि ये यही कॉन्सेप्ट क्यों, कुछ और क्यों नहीं, जैसे बाकी के शोज भी रियलिटी शोज हो रहे तो वैसा कुछ नहीं, ये इतना अलग क्यों। बेसिकली जब मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट आया था कि ये एक ऐसा शो है जिसमें एक लड़का और दो लड़कियां होंगी, तभी मुझे इस शो को समझ के ऐसी फील और वाइब आई थी, जैसा कि आपने बोला कि ये बाकी शोज से अलग है। और आप अगर बाकी शोज से कुछ अलग करते हो तभी व्यूवर्स को चांस मिलता है आपको देखने का, अदरवाइज एमटीवी एक बहुत बड़ा चैनल है और वहाँ पे बहुत सक्सेस और स्टैब्लिश आई कैन से शोज हैं ऑलरेडी वहाँ पर। तो हम अगर मान लो स्प्लिट्सविला, रोडीज या फिर इस तरह लव स्कूल वाले किसी शो का कंपैरिजन करने की कोशिश करते तो शायद अभी हम छोटे बच्चे हो गए हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। सो हम इसीलिए उस तरफ नहीं गए और हमने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम किया कि जिस तरह पब्लिक को कुछ नया और फ्लेवर मिले देखने को। कोई इस ऑडिशन के वक्त पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर कोई एक्सपीरियंसेस जो आपको देखने मिले या कुछ जो लोगों के दिल में जान के लोगों को एक्साइट कर दे। मतलब मैं ऑडिशंस पे जब जाता था तो मैंने एनर्जीज देखी बहुत सारे लोगों की, स्पेशली मुझे कुछ शहरों के इंटरव्यूज ऑडिशंस अभी तक बहुत अच्छे से याद है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और वहाँ के जो कंटेस्टेंट थे, जो वहाँ के लोग थे, उनसे बात करके उनकी एनर्जीज देख करके बहुत अच्छा लगा। और कश्मीर में आपको बताता हूँ, पिछले 20 साल से कोई भी रियलिटी शो की टीम नहीं गई है वहाँ पे ऑडिशंस करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ भी जाने का इनिशिएट लिया बिकॉज कि कोर एक्टिंग जो है, आज भी हमको कश्मीर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे आर्टिस्ट हम लोगों को मिले हुए हैं। तो वो हमने चाहा कि हमको कुछ ऐसा फ्लेवर और एक ऐसा बंदा मिले, ऐसी कोई बंदी मिले, तो हम लेकर के आए। कश्मीर से भी लड़का हमने शॉर्टलिस्ट किया, हमारे शो में है वो, आखिर नाम है उसका, एंड इज अ वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लुकिंग गाय। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सेम पटना का रहा, सेम जयपुर का रहा, मेरे राजस्थान का शो में तीन लड़के राजस्थान से हैं लोकल। सो बहुत अच्छा फ्लेवर था और बहुत अच्छा एंथुजियाज्म दिखा लोगों को कुछ बनने का और करके दिखाने का। कोई प्रॉब्लम्स थे इस शो को स्टार्ट करने से पहले या कोई लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा हो या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम सामने नहीं है। आपको सबसे पहले जरूरत होती है एक चैनल की, चैनल ने हम लोगों को सपोर्ट किया, एमटीवी ने अगर शो को एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में तो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स को तो चीज़ पसंद आनी है अगर आप प्लेट अच्छे से करोगे और उनके लायक चीज़ होगी तो। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स को हमको फेस नहीं करना पड़ा। शूटिंग टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो हर शो में आती होंगी, क्योंकि बिकॉज हम -2, 3, 4, 5 डिग्रीज पे काम कर रहे थे दिल्ली के अंदर, स्पेशली हरियाणा बेल्ट में बहुत ज़बरदस्त ठंड रहती है। सो दिसंबर और जैन में वहाँ पे काम करना बहुत चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए, बट हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। मैं बीमार भी हो गया था एक बार, फीवर हो गया था मुझे 108 का, पर फिर भी मैं खड़ा था एपिसोडिक वे में कि लाइक मैं खड़ा रहूँ और अपनी 100% दूँ। सो इस तरह के चैलेंजेस को फेस किया, बट लाइफ में नॉर्मल रूटीन लाइफ की शायद आप कहानी लिख नहीं सकते हो अगर चाहो तो, बट चैलेंजेस की कहानी आप लिख सकते हो, लोगों को सुना सकते हो और शायद उनको पसंद भी आती है। आपके साथ इस शो में दिव्या भी है, तो उनका क्या किरदार होगा इस शो में? मैं एक कैप्टन प्ले कर रहा हूँ, सेम दिव्या अग्रवाल भी एक कैप्टन प्ले कर रही है। दिव्या की भी स्टोरी आज पूरे इंडिया को पता है कि उन्होंने एक उनका भी एक रियलिटी शो में ये कनेक्शन बना था, उस कनेक्शन में किसकी गलती थी, कौन सही था गलत था, शायद हम लोगों को पूरा पता नहीं चला था। तो हमने दिव्या को भी इसलिए लिया था बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स टू नो अबाउट हर नेचर, अबाउट हर लाइक ऑरा के किस तरह की वो हैं, तो इसलिए उनको भी इसलिए लेकर आए थे एज अ मेंटोर कि वो भी अपने कन्फ्यूजन्स को इंडिया को दिखाएं और बताएं कि वो किस तरह से लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकती हैं कि क्या लड़के में होना चाहिए और क्या लड़के में नहीं होना चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट होगा। सी बेसिकली मैं जहां तक देखता हूं, अगर कुछ ही चुनिंदा लोग ऐसे होते होंगे जो रिलेशंस में
लड़का लीड कर रहा होता है और लड़कियों को चला रहा होता है, जहां तक मैं देखता हूं मेरे अकॉर्डिंगली, तो शायद लड़का सिर्फ एक इनिशिएट लेता है किसी लड़की से बात करने का, बाद में कहीं ना कहीं साइलेंट रोल प्ले करते हुए, पर एक मेजर रोल प्ले करते हुए लड़की ही वो सब कुछ कर रही होती है, लड़के के लिए अच्छा बुरा सोच रही होती है। बिकॉज जो लड़के होते हैं वो बहुत, मतलब मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट लड़कों को ट्रस्ट बहुत जल्दी अपना हो जाता है, और लड़के फिर बाद में कोशिश करते हैं उस लड़की के साथ कंटिन्यू करने की, और सो कहीं हद पे जाकर के ऑब्वियसली 100% कंप्लीट तो कोई लड़की या कोई लड़का हो नहीं सकता। तो इन कंफ्यूजन्स के बीच में ही क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या जब तो जहाँ उसको करनी पड़ती है, यही हमारे शो का मोटिव है, यही आपको डे टू रिमेम्बर में देखने को मिलेगा। कोई एक्सपीरियंसेस ऑडिशंस के चलते आपको कुछ शेयर करना है? ऑडिशंस के चलते हुए बस जिस भी शहर में ऑडिशन किया था बहुत मजा आ रहा था, शायद अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 270 लोगों को इस चैनल पे लेके आ गया होता, इतने सारे ऑडिशंस में लड़के शॉर्टलिस्ट होके मुझे पसंद आए। देखने को सबसे अच्छा ये मिला था, मैं पिछले एक साल से कहीं भी कोई इवेंट करता हूँ, कहीं भी कोई मीट एंड ग्रीट करता हूँ, कहीं भी किसी से मिलने जाता हूँ, किसी फंक्शन पे जाता हूँ, किसी शो में जाता हूँ, तो जो इंडिया ने बहुत सारा प्यार दिया है उस प्यार को देख करके लगता है कि हाँ हम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और हम पे आने वाले टाइम की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक मैसेज भी बन सकता है और वो लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर सकता है, और अगर हम कुछ गलत लिखते हैं तो शायद वो इंडिया को कुछ अच्छा बुरा सिखा सकता है। तो वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वी राइट एंड बिफोर वी डू ऑन सोशल नेटवर्किंग्स, एंड एज वेल कि अपनी लाइफ में कुछ करना हो तो थोड़े बहुत समझौते करने पड़ते हैं, जो मैं पिछले एक साल से कर रहा हूँ। ऑडिशंस के दरमियान बहुत सारे कपल तो आए ही होंगे, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जब जिनका बहुत ज्यादा रोना, गिड़गिड़ाना, सारी लड़ाइयाँ, सारी झगड़े वहां पे हुए होंगे, तो आप उस टाइम पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते? सी बेसिकली लड़ाई, झगड़े, रोना और ये सब चीजें तो शो के अंदर भी बहुत लड़के लड़कियों के साथ हुई थी। मैं एक आपको बात बोलता हूँ, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने एक एक्स्ट्रा फीचर देकर के भेजा है कि हम बाकी की सारे जो जीव जंतु हैं इनसे अलग कैसे हैं, हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल के, रो के, झगड़ के बता सकते हैं, तो सही टाइम पे जिस एक्सप्रेशन की जरूरत हो अगर इंसान लेके आता है तभी तो वो इंसान है। तो मैं इस बात को बिल्कुल सही मानता हूं कि अगर कोई किसी के सामने रो करके अपनी बात को रखता है, लड़के रखता है, झगड़ के रखता है, पर कहीं ना कहीं वो अपने ओपिनियन को रख रहा है, तो जो ओपिनियन को नहीं रखता वो सही नहीं है। ओपिनियन को रखना तो बहुत अच्छी बात है, तो इन चीजों को हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपके अंदर अगर आंसू है आप थोड़े निकालोगे, थोड़ी देर बाद आप ऑटोमेटिकली शांत होगे, गुस्सा है तो थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली शांत होगा, जैसे मेरा भी हो ही जाता है। मैं स्पेशली अपने फैंस नहीं, फ्रेंड्स को और फॉलोवर्स को ये कहना चाहूंगा कि कल मैं इसी कैमरा के उस तरफ खड़ा होकर के बाकी के इंटरव्यूज और ऑडिशंस को देख रहा था, आप लोगों के कारण मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूं, मेरे अंदर भी क्वालिटी तो थी, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन आप लोगों की वजह से ही आज मैं जहां पे हूं, और मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी विशेस कंटिन्यू साथ में रहें, और प्लीज गाइस डू सपोर्ट दिस शो, देखो इस शो को, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके भाई ने बहुत दिल से मेहनत की है, आपको बहुत पसंद आने वाला है शो, बाकी तो सर बरसर मत्थे थे जो होगी वो देखी जाएगी। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय। मैं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मुंबई रफ्तार न्यूज के साथ, बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके, लव यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।